मैंने स्पेशल एक सीरीज शुरू की है जिसमें जो है हम मेशो से और अदर अदर ऑनलाइन वेबसाइट से जो है बैचलर के लिए जो स्टूडेंट है और अकेले रह रहे हैं तो उनको घर में आने वाली चीज़ें जो काम में आएंगी, खुद का खाना बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ें साफ़ करने के लिए, तो एक छोटी सीरीज शुरू की है, उसी का एक फर्स्ट वीडियो हम डाल रहे हैं। तो देखते हैं इसमें आज जो है हमने बर्तन जो साफ करते हैं उसके लिए एक लगने वाला जो सोप के केस जो है एक बुलाया है जिसमें जो है स्पंज जो है वो हम डाल सकते हैं और हमारा जो है वेस्टेज नहीं होगा, तो बर्तन साफ करने के लिए मदद करेगा, हमें बर्तन खुद के खुद ही धोने पड़ते हैं। तो चलिए खोलते हैं, कैसे क्या चीज़ है ये, नई नई चीज़ हम यूनिक सी चीज़ ढूंढ के ला रहे हैं और उसे प्रैक्टिकल तौर पर यूज़ करके देख रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस तरीके से ये है, तो चलिए ओपन करते हैं फटाफट। इस तरीके से कुछ ये दिखता है और यहाँ पर बराबर दो चीज़ आई है और इस तरीके से यहाँ पर एक टब बना हुआ है और टब में यहाँ पर एक लगाने के लिए एक वॉल जो है दिया हुआ है। देखते हैं इसे कहाँ से खुलता है ये। ओके, तो ये एक तरीके का प्रेसपिट जो है सिस्टम इसमें यूज़ है, ये निकल गया अलग। इसमें स्क्रबर भी दिया हुआ है एक, और जो है इस तरीके से एक पंप दिया हुआ है, इसे हम दबाएंगे तो जो है पानी जो है वो ऊपर आएगा। तो चलिए पहले इसे इसमें फिट कर लेते हैं। और इसे इसमें लगाएंगे। इस तरीके से अब जो हमारे जो साबुन है, जो सोप है बर्तन धोने वाली, वो इसके अंदर रहेंगी और पानी भी इसके अंदर रहेगा। और फिर जो है हम इसे यहाँ पे जैसा प्रेस करेंगे, यहाँ पे कुछ लॉक दिया हुआ है, शायद खोलना पड़ेगा। ये पंप जो इसके साथ मिला है इसमें एक एडजस्टमेंट है पैकेजिंग होने के लिए, डब्बे के अंदर जाने के लिए, क्योंकि इसमें ही वो अंदर आया था, तो इसके लिए इसका साइज़ छोटा कर दिया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे पकड़ के रखना है और नीचे वाले को, और फिर इसे घुमाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन करने के लिए इस तरफ घुमाएं, तो जैसा भी हम इसे घुमाएंगे, देखिए ये ऊपर आ गया और अब जो है ये ऐसे तरीके से प्रेस हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पे बराबर जो है थ्रेड बने हुए हैं, सो इस थ्रेड्स में यहाँ पे बराबर इसको हम लगा देंगे और अब जो है देखिए ये बहुत ही अच्छे से यहाँ से जो है नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है। अब इसको इसके ऊपर फिट करेंगे तो ये इस तरीके से, तो इसकी जो वर्किंग है, तो आपकी जो सोप है वो यहाँ पर रहेंगी नीचे में बर्तन धोने वाली और थोड़ा सा पानी भी रहेगा इसमें। तो क्या होता है, जनरली नॉर्मल इसमें हम यहाँ पर सोप रखते हैं और पानी रखते हैं और कोई भी बर्तन होता है दूसरा, और इसमें से ऊपर से पोंछ कर फिर हम धोते हैं, तो बहुत सा जो पानी है इधर में आजू बाजू वेस्ट हो जाता है और वो जो सोप है वो भी पिघल जाती है। तो उसको रोकने के लिए ये वाला एक आइटम मुझे अच्छा लगा और वो अब जो सोप है वो फैल वगैरह जाती है तो वो अच्छा भी नहीं दिखता। तो वो साफ़ करना फिर मुश्किल होता है जहाँ पे हम सोप रखते हैं, बार बार वहाँ पर जो है अलग से जो है जम जाती है, सोप का झाग वगैरह रह जाता है। तो इसी के लिए पूरी की पूरी सोप ही इसके अंदर आ जाएंगी और जितना धोना है जैसा हमें झाग वाला पानी यहाँ पे लगेगा वैसे ही हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो झाग वाला पानी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से फिर हम इस स्क्रब की मदद से उसे लेके बर्तन जो है वो साफ़ कर पाएंगे और बाकी जो चीज़ें वो आजू बाजू की वो क्लीन रहेंगी। तो देखते हैं अभी इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके क्या सही में काम करता है या नहीं। ये हमारा किचन है, वैसे तो प्रॉपरली पूरा मेंटेन रखा हुआ है, इधर नल और यहाँ पर बेसिंग है, तो ये वॉशिंग वाला सेंटर है। यहाँ पर बर्तन जो साफ़ होते हैं वो हम यहाँ पर रख देते हैं और फिर ये डेटॉल वगैरह हैंड क्लीन करने के लिए वाइपर यहीं के यहीं पूरा साफ़ करके इसमें करने के लिए। तो अब इसको ऐड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए प्रॉब्लम ये हो रही थी कि यहाँ पर है स्पंज और मैं लाइट शुरू कर लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पर जो है जो लोहे का तार है वो है और यहाँ पे हमारी जो बर्तन धोने वाली जो सोप है वो यहाँ पर पिघल के मेल्ट हो गई है। तो अब जब हम धोते भी थे तो यहाँ से कुछ पानी उड़ के इधर गिरता था। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका यूज़ करने वाले हैं। तो अभी जो है हम इसमें जो है वो विम का जो ड्रॉपलेट वाला जो आता है लिक्विड वाला जो वॉश होता है उसके लिए बना हुआ है, बट हम इसे सोप के लिए यूज़ करेंगे जुगाड़। देखते हैं, तो सबसे पहले अभी इसे खोल लेंगे यहाँ पर और मैं ये जो जो सोप है यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसमें जो सोप है वो मेल्ट वाली कंडीशन में है और हमने एक्सेस वाटर ले लिया है ताकि सोप जो है इसमें पिघल जाए, और हम अभी थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर भी इसमें ऐड कर देंगे
ये हो गया हमारा पूरा सोप वाला पानी इसके अंदर, और अब जो है हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। और जो है इसे हम अच्छे से प्रॉपरली ऐसे ऐसे करके स्टीयर कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो है अंदर प्रॉपर झाग बन जाए। अब देखते हैं इसको दबाकर। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो नोज़ल है वो ज़्यादा ही पावरफुल है, आगे की तरफ उड़ रहा है यहाँ पर, और हमें कहाँ चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमें इस तरीके से इसे दबाना होगा तो जो है यहाँ पर वो आ जाए सोप वाला पानी। तो देखते हैं आप, यहाँ पर सोप वाला पानी जो है वो जमा हो गया है, और अब जो है हम यहाँ पर स्पंज के मदद से, स्पंज हम जो है यहाँ पर रखेंगे, और इसे यहाँ पर डुबा कर हम जो है इजीली जो है इससे बर्तन जो है वॉश कर सकते हैं, और जो इसका जो वाटर है वो भी इधर उधर स्पिल अप नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है हम इसे यहाँ पर रख देंगे, और हमारा अब जो बर्तन धोने वाला डिपार्टमेंट है वो पहले से ज़्यादा और ज़्यादा क्लीन हो गया है और प्रॉपर हो गया है इस तरीके से। तो दैट्स इट फॉर दिस। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो सोप है वो आ चुकी है नीचे। अभी हम इसे थोड़ा हिला लेंगे, शेक कर लेंगे, और अभी जो है हम इसके ऊपर में थोड़ा झाग लेते हैं, हाथ इस तरीके से रखेंगे ताकि इसी के ऊपर जो गिरे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है हमारा सोप वाला पानी जो है इसके ऊपर आ रहा है, इतना पानी काफ़ी है। अब ये जो हमारा स्पंज है उसको हम यहाँ पर ट्राई करके एक बार इसको अच्छे से धो के देखेंगे। तो इस हिसाब से जो है प्रॉपरली देख सकते हैं आप, पूरा जो झाग है वो निकल के आ रहा है, और इस तरीके से हमारी जो पूरी प्लेट है उसे हमने पूरा जो है क्लीन जो है करके दिया। मैंने पूरा धो लिया था, फिर मुझे लगा एक वीडियो सैंपल के लिए कि किस तरीके से ये क्लीन होता है ये बना लूँ, इसलिए मैं इसे वापस बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर वापस से पूरी चीज़ें उसी के अंदर आ गई यहाँ पर, और अभी जो है हम इसे वाटर से यहीं के यहीं फटाफट जो है धो लेंगे पानी से। तो ये हमारी जो प्लेट है वो प्रॉपर से पूरी तरीके से जो है क्लीन हो गई, और इसे हम जो है यहाँ पर रख देंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा कोई भी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा गंदा नहीं हुआ, और हम वाइपर की मदद से इसी से यहीं के यहीं पूरा जो है इसे वापस से क्लीन कर लेंगे।